सीतापुर के ब्लॉक मचरेटा इलाके में राठौरपुर गांव के अभिजीत उर्फ राहुल सिंह ने देश भर में परिवार और जनपद का मान बढ़ाया है। छोटे से गांव के छात्र ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। अभिजीत का चयन प्रधानमंत्री की तरफ से रिसर्च के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति रिसर्च फेलोशिप के लिए हुआ है। देश भर से इस फेलोशिप के लिए सिर्फ 32 छात्र चयनित हुए हैं, उनमें अभिजीत ने जगह बनाई है। वर्तमान में अभिजीत सिंह भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान नई दिल्ली में रसायन विज्ञान में शोध कार्य के लिए अध्ययनरत हैं। अभिजीत की इस कामयाबी पर उनके गांव और परिवार में खुशी का माहौल है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब अभिजीत ने अपनी काबिलियत के बूते परिवार, गांव और जनपद का नाम रोशन किया है। इससे पहले दिसंबर 2019 के CSIR UGC नेट की परीक्षा में केमिकल साइंस में 99.49% अंक हासिल कर अभिजीत ने JRF क्वालिफाई किया था। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट तक शहर के आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ाई पूरी करने के बाद अभिजीत ने लखनऊ विश्वविद्यालय से BSc किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान से MSc में कॉलेज टॉपर बनकर गोल्ड मेडल हासिल किया। अभिजीत के बड़े भाई अभिषेक कुमार सिंह बैंक मैनेजर के पद पर सहारनपुर में कार्यरत हैं। दूसरे भाई रितेश कुमार सिंह भारतीय वायुसेना में पंजाब में तैनात हैं। एक भाई लेखपाल और भाभी केंद्रीय विद्यालय में अध्यापिका हैं। वैज्ञानिक बनकर दिवंगत पिता के सपनों को साकार करने का लक्ष्य पूरा करने में जी जान से जुटे अभिजीत इस सफलता का श्रेय अपने परिवार, विशेष रूप से ताऊ सुधीर सिंह को और चाचा बबलू सिंह को देते हैं। रिसर्च फेलोशिप के लिए चयनित होने पर अभिजीत क्या कहते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनिए। तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि इन सब उपलब्धियों के पीछे हमारी फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है उसमें, और भगवान ऊपर वाले का भी बहुत बड़ा योगदान है। बिना उसके कोई भी सफलता नहीं मिल सकती आपको। और बाकी इनसे यहाँ तक आने के लिए मुझे तो पहले तो एक आपके लिए रास्ता आपको पकड़ना पड़ता है। आपको रास्ता पकड़ने के लिए पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से कहाँ पहुँचना है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MSc की डिग्री कंप्लीट की, जिसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला। देन उसके बाद मैं IIT दिल्ली के लिए डायरेक्टली तो नहीं आना चाहता था, बट मैंने उसके बाद JRF का एग्जाम दिया। तो उस JRF के एग्जाम में मेरी रैंक अच्छी होने की वजह से मुझे IIT दिल्ली में चयन किया गया। देन उसके बाद मैंने कायरल कैटालिसिस पर काम करने की इच्छा की वजह से मैंने रवि पी सिंह की लैब ज्वाइन की। उसके बाद मुझे ऑफर मिला कि आप चाहें तो अपना रिसर्च जो है आगे PMRF फेलो के जैसा बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। जैसे आपका कुछ रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके लिए आपके पास कुछ पब्लिकेशंस होने चाहिए, साथ साथ आपके जो है मार्क्स, जो ग्रेडिंग आपका एकेडमिक में रह चुका है वो ज्यादा बेहतर होना चाहिए। एक पब्लिकेशन भी मेरे पास में है, मार्क्स के जो ग्रेड्स वगैरह हैं वो भी अच्छे हैं। तो इन सब बेसिस पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। बैकग्राउंड के लिए मैं बताना चाहूंगा जिन लोगों को नहीं पता है अगर इस बारे में, तो सबसे पहले उनको अपना जो अगर कर कोई स्टूडेंट जो मास्टर्स लेवल का है उसको अपने मास्टर्स लेवल के ग्रेड सही करने होते हैं। अगर आप IIT से नहीं है, मेरे जैसा कोई नॉन IIT के लिए उनको ग्रेड्स अच्छे करने हैं। देन उसके बाद में उनके साथ साथ उनके पास कुछ पब्लिकेशन होना चाहिए, जैसे कोई एक रिसर्च पब्लिकेशन अगर कम से कम हो और अच्छे जर्नल में होना चाहिए। ये तो सबसे मस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास में कितना जो प्रोफेसर आपका है, जो गाइड है, वो रिकमेंडेशन उसका मैटर करता है। साथ साथ अदर प्रोफेसर जो होते हैं, कम से कम 2 से 3 और प्रोफेसर के आपका रिकमेंडेशन लगता है। तो ये सब चीजों के बाद में फिर एक रिग्रेस प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है, प्रेजेंटेशन होती है, आपका रिसर्च प्रपोजल होता है। इन सब चीजों को देख करके तब एक रिग्रेस प्रोसेस के थ्रू आप PMRF के लिए पहुंचते हैं। अभी हम कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, लेकिन इसका जो मेन गोल वो वहीं से स्टार्ट हुआ, क्योंकि अपना कंट्री, हमारा कंट्री क्या चाहता है कि हम अपने यहाँ ऐसे स्टूडेंट, ऐसे साइंटिस्ट या ऐसे प्रोफेसर को लाएं जो बाहर जाके काम ना करें, वो यहाँ पे काम करें, यहाँ के स्टाइपेंड को बढ़ा दें, आगे करें। इसलिए उन्होंने क्या किया है कि स्टाइपेंड तो जरूर इंक्रीज किया PMRF फेलोज का, लेकिन उससे क्वालिटी इंक्रीज करना चाहते हैं। ऐसा ही नहीं कि मतलब ज्यादा स्टूडेंट लेकर के, लेकिन उसकी क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया है। इससे स्टूडेंट बाहर नहीं जाने की कोशिश करेगा, यहाँ रहेगा और उसको इंडस्ट्री एज वेल एज एकेडमिक दोनों के बीच का जो एक पारस्परिक संभावनाएं हैं उनको और निखारने की कोशिश करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ सतीश कौशिक,
एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार, मेरा नाम है कैलेंडर में तो चला किचन के अंदर, और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।